क्या करता है कि पेपर में जब बैठता है तो पेपर का प्रेशर होता है ना, तो फिर घर पे आके इतना ही कहता है कि सर सिली मिस्टेक हो गई सर, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें बच्चे कि एग्जाम हॉल के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड ही सब कुछ है, इसलिए अपने को कूल और काम और रिलैक्स रखिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो आराम से क्वेश्चंस को पढ़िए और धीरे धीरे पढ़िए। और मैं कहता हूं कि आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 20 मिनट में 50 क्वेश्चन करते हैं, आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? और आप आराम से पढ़िए एक ही क्वेश्चन को बढ़िया से, लेकिन एक बार में इतना अच्छे से पढ़ लेंगे कि हम सिली मिस्टेक्स करेंगे। बच्चा कहता है ना नोट करेक्ट नहीं देखा सर, करेक्ट ही पढ़ लिया मैंने, ये नोट करेक्ट लिखा हुआ था। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? तो वो सिली मिस्टेक्स नहीं होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। तो ये बात ध्यान, मतलब हम अब पढ़ने वाले हैं लास्ट पॉलिनेशन का टाइप है जूफिली, मतलब पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। सही है, एनिमल्स से जब पॉलिनेशन हो रहा है तो उसमें एक तो हमने याद किए इंसेक्ट्स, एक हमने याद किए बर्ड्स, और एक हमने याद किए नॉर्मल एनिमल्स की बात की है ना। इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट्स ही करवाते हैं एंजियोस्पर्म्स में। अगर देखा जाए तो एंजियोस्पर्म्स में दो तरह के पॉलिनेटर हम पढ़ते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। और हमें ये याद करना है कि एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, एंजियोस्पर्म्स ने ऐसे अडॉप्टेशंस को एक्वायर किया है जो कि इंसेक्ट पॉलिनेशन ज्यादा करवाते हैं। हालांकि जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन जो है वो मैक्सिमम एयर से हो रहा था, लेकिन जिम्नो के बाद जैसे शुरू हुआ कौन, एनजीओ, तो एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन की जब बात आई तो एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन जो करवाया बच्चे वो इंसेक्ट्स ने करवाया मैक्सिमम। सही है, इंसेक्ट्स में हम बात करते हैं 20 की, बटरफ्लाई, मोथ, सही है, और वास्प, ये सब। और इसके अलावा फिर बात करें बेटल्स की, तो बीज, बटरफ्लाई, मोथ, वास्प, बीटल्स, ये सब जो है ये इंसेक्ट्स में आते हैं। एनिमल्स के अंदर अगर बात करें तो एनसीईआरटी ने हमें एनिमल्स पढ़ाए, एक तो कहा बैट्स, एक उन्होंने कहा लेमरस है ना, ट्री ड्वेलिंग, ये सब वो एनिमल्स बताए उन्होंने जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और जब बात आई बर्ड्स की तो बर्ड्स के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा, एक तो हमारे लिए हमिंग बर्ड और एक सन बर्ड। सही है, अब आपको यह समझना है कि सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन हो रहा है वो पॉलिनेशन किससे हो रहा है, इंसेक्ट की हेल्प से। सही है बात या नहीं? अब इंसेक्ट अगर पॉलिनेशन करवाएगा तो दो चीजों की ध्यान रखने हैं अपने को कि प्लांट ने क्या किया है, एक तो जो पोलन ग्रेन है उसको इंसेक्ट के साथ चिपकाने के लिए उसके चारों तरफ एक स्टिकी सब्सटेंस, एक विस्कस सब्सटेंस रखा पॉलन किट, और दूसरा उसने रिवार्ड्स रखे इंसेक्ट्स के लिए, एनिमल्स के लिए रिवार्ड्स रखे। उनको क्या किया कि भाई आप हमारा पॉलिनेशन करवाओ बदले में इनाम पाओ, आप हमारा पॉलिनेशन करवाओ और बदले में इनाम पाओ। इवोल्यूशन के अंदर उन्होंने ऐसा किया। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो सबसे पहली बात तो हम इनके अगर पॉलन ग्रेन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो एनिमल्स या इंसेक्ट से पॉलन ग्रेन पॉलिनेटेड होते हैं उन पॉलन ग्रेन्स के अंदर हम बताते हैं कि भी एक तो इंटाइन पार्ट होता है, इंटाइन के बाहर की तरफ स्पोरोपॉलिनिन का एक्साइन पार्ट है। कौन है कि इसकी बात करूं मैं, रेड कलर में जो मैंने बनाया है ये तो एक्साइन है, व्हाइट कलर में जो बनाया है ये इंटाइन है। सही है बात या नहीं? तो आप बताएंगे कि जो एक्साइन पार्ट है इसके चारों तरफ बाहर की तरफ आपको एक विस्कस, एक स्टिकी लेयर मिलती है, इस लेयर का नाम है पॉलन किट, जो कि कैसा बनाता है पॉलन ग्रेन को, स्टिकी। आपको यह बात समझनी है कि जब हम एयर पॉलिनेशन की बात कर रहे थे, विंड पॉलिनेशन की, जिसको कि हमने एनिमोफिली कहा, तो एनिमोफिली के दौरान हमने इस बात का ध्यान रखा कि पॉलन ग्रेन्स ड्राई थे, नॉन स्टिकी थे, लेकिन स्टिग्मा स्टिकी थी। लेकिन आपको यह समझना है कि जूफिली के टाइम पर पॉलन ग्रेन्स स्टिकी है, पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिकी है। समझ रहे हैं बात या नहीं? ताकि इंसेक्ट्स के साथ या एनिमल्स के साथ ये पॉलन ग्रेन्स इजीली क्या हो सकें, चिपक सकें, स्टिक हो सके। और जब इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाएगा तो ये पॉलन ग्रेन्स को यहां से
ट्रांसफर करवा देगा। सही है। तो पॉलन ग्रेन के बारे में याद करना है कि पॉलन ग्रेन की जितनी भी बातें हमने पढ़ी सारी की सारी वैसी ही है जैसी अभी तक हम पढ़ के आए हैं। बस एक चीज याद करना है कि इनका पॉलन ग्रेन चारों तरफ से एक स्टिकी सब्सटेंस जिसको कि पॉलन किट कहते हैं उससे कवर्ड रहता है। सही है बात या नहीं? दूसरी आपको बात समझनी है कि इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले जो फ्लावर्स होते हैं कौन होते हैं? ये एक तो आपको याद करने है कि कलरफुल होते हैं। कलरफुल होंगे तो कलर्स जो है वो इंसेक्ट्स को एनिमल्स को अपनी तरफ क्या करेंगे? सही है बात या नहीं? अभी तक हमने एनिमोफिली में या हाइड्रोफिली के अंदर हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि भाई हमें फ्लावर कलरफुल चाहिए, क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन था ही नहीं। लेकिन यहां क्या है कि इंसेक्ट्स को एनिमल्स को अपनी तरफ क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, तो फ्लावर्स को कैसा रखना पड़ेगा? कलरफुल रखना पड़ेगा। कलरफुल होने के साथ साथ आप ये बताएंगे कि जो फ्लावर्स होंगे वो फ्रेग्रेंट भी होंगे, खुशबू आएगी इनसे। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बदबू की तरफ, इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो बदबू की तरफ ज्यादा क्या होते हैं, समझ रहे हैं बात या नहीं, अट्रैक्ट होते हैं। तो फ्रेग्रेंस होने के साथ साथ बोलो खुशबू के साथ साथ कुछ फ्लावर्स में बदबू भी आती है। जैसे मैं एमोर्फोफिलस की बात करूं तो एनसीआर ने एमोर्फोफिलस का एग्जाम्पल हमें दिया है, तो उसके फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन करवाता है वो वास्प पर करवाता है, और वास्प जो है वो फॉल ऑर्डर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? कलरफुल होने चाहिए, फ्रेग्रेंट होने चाहिए, और साथ ही साथ इनके अंदर नेक्टर पाया जाता है। नेक्टर आपको समझाना है कि नेक्टर एक तरह से न्यूट्रिशन सब्सटेंस है, न्यूट्रिशन है दूसरे एनिमल्स और इंसेक्ट्स के लिए। मतलब जो नेक्टर है वो फ्लोरल रिवार्ड हो गया है कि भाई इस नेक्टर को लेने के लिए कोई इंसेक्ट, कोई बी, कोई बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर पर आएगा, और जब वो फ्लावर पर आएगा, जब नेक्टर लेने आएगा तो साथ में क्या होगा बच्चे, पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो एक तो आपको फ्लोरल रिवार्ड में याद करना है नेक्टर को। किसको याद करना है? नेक्टर को। तो आप ये बता देंगे कि भाई ये जो है ये नेक्टर जो है ये फ्लोरल रिवार्ड हो गया है फॉर इंसेक्ट्स या एनिमल्स। समझ रहे हैं बात या नहीं? कि भाई जो इंसेक्ट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो इस नेक्टर को लेने के लिए फ्लावर पर आए तो पॉलिनेशन हुआ। समझ रहे हैं बात या नहीं? आपको ये भी समझना है कि मैक्सिमम पॉलिनेशन एंजियोस्पर्म्स में इंसेक्ट्स करवाते हैं, और इंसेक्ट्स में भी अगर देखा जाए तो बीज की बात आती है। किसकी बात आती है? बीज की बात आती है। और ये भी हमें समझना है कि जैसे हम हनी बी की बात कर ले, हनी बी क्या करता है भाई, फ्लावर से नेक्टर लेता है और फिर उसको हनी में कन्वर्ट करता है। हनी कॉम्ब के अंदर जो हनी होता है वो नेक्टर का ही मॉडिफिकेशन है। नेक्टर कहां से लिया गया? जनरल लैंग्वेज में हम इसे फूलों का रस कह देते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? और नेक्टर जो है बच्चे वो न्यूट्रिशन सब्सटेंस है जो हनी भी वहां से लेकर आई और उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें? हनी में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? इसलिए अब हनी बी को सोशल इंसेक्ट भी कहते हैं हम। हमने जब सेल बायोलॉजी पढ़ी थी तो हमने सोशल इंसेक्ट कहा कि फ्लावर से नेक्टर लिया, हनी बनाया और हनी को यूटिलाइज हमने किया। सही है बात या नहीं? तो हमारे साथ भी उसका इंटरेक्शन हो जाता है फ्लावर्स का हनी बी के अकॉर्डिंग। तो हम कहते हैं फूलों के साथ हमारा कनेक्शन बना दिया हनी बी ने, इसलिए हनी बी को हम हमारे लिए एक सोशल इंसेक्ट कहते हैं। हुई थी ना ऐसी बात, याद है आपको? हाँ, तो आप ऐसे समझिए कि भाई फ्लोरल रिवार्ड में एक तो आपको नेक्टर याद करना है, दूसरा अगर हम बीज की बात करते हैं, हनी बी की या बी की, किसकी बात करते हैं? बीज की बात करते हैं, तो आप बताएंगे कि ये क्या है कि येलो कलर जो होता है ना, येलो कलर के लिए इनमें कलर ब्लाइंडनेस होती है। इंसेक्ट्स में या बीज में आपको याद रखना है कि येलो कलर के लिए क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस। यस और नो? बिल्कुल। आप ना इसको ऐसे याद करिए कि रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंडनेस होती है और येलो कलर पर ज्यादा आते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो जब आप पीले रंग के कपड़े पहन लेते हो तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपके शर्ट पे, कपड़ों पे आके गिरने लगते हैं। तो बताओ येलो कलर के लिए ब्लाइंडनेस है या अट्रैक्शन है? एग्जैक्टली, ब्लाइंडनेस है रेड कलर के लिए। जिन दिनों के अंदर आपके आसपास कीड़े मकोड़े हवा के अंदर ज्यादा उड़ते हैं, उन दिनों में अगर आप लाल कपड़े पहनते हैं तो आपके ऊपर ज्यादा कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, ध्यान रखें इस बात का। लेकिन जब येलो पहनेंगे तो आएंगे। तो बताइए येलो कलर के लिए तो इनमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती, लेकिन रेड कलर के लिए इनमें कलर ब्लाइंडनेस होती है। समझ रहे हैं बात या नहीं? इसलिए आपको समझना है कि भाई जो इंसेक्ट्स हैं अगर उनसे पॉलिनेशन करवाना चाहते हो तो लाल रंग के अलावा अगर फूल होंगे,
समझ रहे हैं बात या नहीं? तो उनके अंदर क्या होगा, पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे इंसेक्ट से, एक तो ये बात याद करो। दूसरा, फ्लोरल रिवार्ड्स में एक आपको और बात समझनी है कि जो इंसेक्ट होते हैं, कौन होते हैं, इन इंसेक्ट्स को अंडे देने के लिए, आप बताइए एग लेइंग स्पेस देता है कौन, फ्लावर। अंडे देने के लिए स्पेस देता है कौन, फ्लावर। अंडों को प्रोटेक्शन देता है कौन, फ्लावर। और बदले में क्या करवाता है, पॉलिनेशन। बदले में क्या करवाता है, पॉलिनेशन। जिसमें एक तो आपको याद करना है यूका और मोथ का सिम्बायोसिस। आपको ये बात याद करनी है कि यूका और मोथ का जो एग्जाम्पल है वो आप यहां एंजियोस्पर्म्स में भी पढ़ते हैं और आपको इकोलॉजी में म्यूटलिज्म के अंदर भी पढ़ाया जाएगा। किसमें, म्यूटलिज्म पढ़ते हैं ना जब आप, सिम्बायोसिस। तो ये कहा जाता है कि यूका प्लांट अपना लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन पूरा करता है मोथ के साथ और मोथ करता है इसे। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन में, सिम्बायोसिस में पढ़ा जाता है, म्यूटलिज्म में पढ़ा जाता है। आपको यह समझना है कि जो यूका है, यूका के ओवरी का जो लॉक्यूलर रीजन होता है, जैसे ये ओवरी है ना, इस ओवरी का जो लॉक्यूलर रीजन है, याद करो मैंने कहा था ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी या लॉक्यूल आपको याद करना है। तो आप बताइए कि वेल डेवलप्ड होता है, साइज में थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा इसलिए रखा जाता है ताकि जो इंसेक्ट्स है वो इंसेक्ट्स यहां पर आए और लॉक्यूलर रीजन में अपने अंडे दे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि यहां एग्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं यहां पर, और जब ये अंदर आएंगे तो बोलो जहां से ये आए हैं वहां से बहुत सारे पॉलन ग्रेन लेकर आते हैं जो कि इसकी स्टिग्मा पर वो पॉलिनेशन करवा देते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो आप बताइए कि इंसेक्ट तो करवाएगा पॉलिनेशन और बदले में अपने अंडों की क्या लेगा, प्रोटेक्शन। सही है बात या नहीं? तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, फ्लोरल रिवार्ड हो गया। समझ रहे हैं बात या नहीं? कि फूल बदले में उसको इनाम देता है कि भाई आप अंडे दीजिए, आपके अंडों की रक्षा हम करेंगे, आप हमारा पॉलिनेशन करवाइए। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। ऐसा ही एक यूका के साथ एनसीईआरटी ने हमें एग्जाम्पल पढ़ाया है एमॉर्फोफिलस का। किसका? तो दूसरा एग्जाम्पल आपको याद करना है एमॉर्फोफिलस, और इसके साथ भी एक मोथ आप याद रखेंगे। समझ रहे हैं बात या नहीं? एक इंसेक्ट याद करेंगे। और आपको यह भी समझना है कि जो एमॉर्फोफिलस है कौन है, इसका फ्लावर एंजियोस्पर्म्स में लॉन्गेस्ट फ्लावर बताते हैं हम। एनसीईआरटी का डाटा है, एनसीईआरटी कहती है अप्रोक्सीमेटली 6 feet हाइट का होता है, लेंथ का होता है। लॉन्गेस्ट फ्लावर एमॉर्फोफिलस का, किसका, एमॉर्फोफिलस का, जमीकंद कहते हैं इसको हम, एमॉर्फोफिलस। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो एमॉर्फोफिलस का फ्लावर सबसे लंबा, सबसे बड़ा फ्लावर अगर डायमीटर वाइज पूछा जाए ना आपसे तो रेफ्लेशिया बताना आप, लार्जेस्ट पूछा जाए तो रेफ्लेशिया, हालांकि एनसीईआरटी ने डाटा नहीं दिया हमें, नहीं लिख के दिया है। तो अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो बताना रेफ्लेशिया, लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो बताना एमॉर्फोफिलस। सबसे लंबा फ्लावर किसका है, एमॉर्फोफिलस का, किसका है, और इसमें भी मोथ की तरह ही क्या है बच्चे, सिम्बायोसिस है, मतलब यूका और मोथ है तो एमॉर्फोफिलस और मोथ है। समझ रहे हैं बात या नहीं? ऐसा ही एक एग्जांपल आपको इकोलॉजी में मिलेगा और वो है फिग ट्री का, फाइकस अंजीर का, फाइकस कार्पोरा बोलते ना अपने, फाइकस स्पीसीज में पीपल बरगद और अंजीर आते हैं। पीपल बोले तो बोल दो रिलीजियोसा, स्पेसिफिक एपिथेट हो जाता है फाइकस रिलीजियोसा, क्योंकि पीपल को हम पूछते हैं तो रिलीजन के साथ आ गया। सही है बात या नहीं? फाइकस बेंगलेसिस बोला जाए तो बंगाल में आपको पता है सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है। सही है बात या नहीं? तो इसलिए उसको नाम दे दिया गया है फाइकस बेंगलेसिस। ऐसे अगर फाइकस कार्पोरा की बात आए तो आप बताना कि अंजीर की बात चल रही है। तो फाइकस स्पीसीज जब लिखी जाती है तो आप बताएंगे फाइकस स्पीसीज में पीपल, बरगद और अंजीर आते हैं, और अंजीर के लिए फिग ट्री बोलते हैं। तो फिग का एग्जांपल हमें इकोलॉजी में यूका के साथ और मिलता है। हाइपनथोडियम टाइप का इंफ्लोरेसेंस होता है, उसमें फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम,
कौन सा ट्रैप? फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म पढ़ते हैं। देखिए अभी जब मैं आपको पॉलिनेशन पढ़ा रहा था तो पॉलिनेशन के टाइम पे मैंने एक टर्म पढ़ाई थी आपको, डाइकोगैमी या हेटरोगैमी, जिसमें मैंने कहा था कि एंथर पहले मैच्योर होगा तो प्रोटो एंड्रस कंडीशन होगी, और अगर बच्चे कार्पल पहले मैच्योर होगा तो प्रोटोगाइनी कंडीशन होगी, और प्रोटोगाइनी कंडीशन फाइकस स्पीसीज में थी। प्रोटोगाइनी कंडीशन, तो आप बताइए कि जो फाइकस है कौन है? फाइकस में थैलेमस बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लेता है। फाइकस में इडिबल पार्ट जो होता है वो थैलेमस होता है। जैसे मान लो ये थैलेमस है, ये जो मैंने बनाया ना स्ट्रक्चर, ये कौन है? ये थैलेमस है, और थैलेमस के ऊपर की तरफ यहां ना एक पोर होता है बच्चे, ये माइक्रोपाइल नहीं है। माइक्रोपाइल तो होता है ओव्यूल के अंदर, तो एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है। हाइपोथोडियम का इन्फ्लोरेसेंस आप पढ़ते हैं। यहां इस पोर पर बोलो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है अंदर की तरफ। कहां पर? अंदर की तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है अंदर की तरफ। और जब अंदर की तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगी तो बोलो इंसेक्ट का आना आसान है, जाना आसान नहीं है। इंसेक्ट का जाना आसान नहीं है, समझ रहे हैं बात या नहीं? तो आप बताइए इसमें, यहां आपको अलग अलग तरह के तीन फ्लावर मिलते हैं। जो फ्लावर तो ऊपर माउथ के पास होते हैं यहां पर, बोलो ये स्टेमिनेट फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर कहते हैं इनको। कैसे फ्लावर हैं ये? बोलोगे स्टेमिनेट। स्टेमिनेट मतलब स्टेमन वाले फ्लावर, समझ रहे हैं बात या नहीं? इनको क्या कह सकते हैं आप? स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट मतलब क्या हो गए? स्टेमन वाले, समझ रहे हैं बात या नहीं? और नीचे की तरफ बेसल रीजन में बोलो जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं पिस्टिलेट। बोलो फीमेल फ्लावर्स। कौन से फ्लावर्स हैं ये? फीमेल फ्लावर्स हैं, इनको हम पिस्टिलेट कहते हैं। कौन से फ्लावर्स कहते हैं? और इनके बीच में ये वाला जो पोर्शन होता है, बोलो यहां पर स्टेराइल फ्लावर्स होते हैं। ना इनमें कौन मिलेगा? स्टेमन, और ना ही मिलेगा कौन, तो इसको बोलेंगे स्टेराइल फ्लावर्स। क्या कहेंगे? स्टेराइल फ्लावर्स। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब बताइए कि भाई फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म में क्या होता है कि इंसेक्ट अंदर आते हैं अंडे देने के लिए, सही है? अब अंडे देने के लिए जब अंदर आते हैं तो साथ में पॉलन ग्रेन लेकर आते हैं, सही है? अब पॉलन ग्रेन लेके आते हैं तो जब इंसेक्ट यहां से अंदर एंटर करेगा, इंसेक्ट जब अंदर आएगा तो पॉलन ग्रेन को यहां गिराएगा। और बताइए कि फाइकस की बात चल रही है तो फाइकस तो प्रोटोगाइनस कंडीशन वाले होते हैं, इनके तो फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर हो जाएंगे, तो इनमें यहां पॉलिनेशन हो जाएगा, सही है बात या नहीं? अब जब ये यहां अंडे देंगे तो अंडे क्या होंगे? मैच्योर। फिर उनसे क्या बनेंगे? लार्वा, और लार्वा से फिर नए इंसेक्ट्स। अब देखो कि ये इंसेक्ट जो अंदर अंडे देने आया था वो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन जब फीमेल फ्लावर्स इनका पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया, इधर फ्रूटिंग वूटिंग हो गई है, तो बोलो तब तक इंसेक्ट में जो है बच्चे अंडों से वो बाहर भी आ गए। बाहर आ गए तो तब तक ये इन्फ्लोरेसेंस क्या हो जाता है? पूरी तरह से मैच्योर, फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और ये पोर क्या हो जाता है? ओपन। और फिर जब यहां से ये इंसेक्ट क्या होते हैं? बाहर जाते हैं अंडों वाले। तो बताइए कि मेल फ्लावर्स जो होते हैं उनसे पोलन ग्रेन्स लेकर जाते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो जब वापस जाते हैं तो फिर पोलन ग्रेन्स लेकर जाते हैं, और फिर जाके किसी और पे गिरेंगे तो फिर से पॉलिनेशन करवाएंगे। तो ये फाइकस का भी आपको एग्जांपल याद करना है, क्योंकि फिग ट्री की जब बात आती है तो हमें इकोलॉजी में पढ़ाया जाता है इसे भी। और याद रहे कि जो फाइकस, हम अंजीर जो खाते हैं बच्चे, अंदर की तरफ छेद होता है ना उसके, तो आप बताओ कि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन खाते ही नहीं हम खाते हैं थैलेमस। आप बताना अंजीर में इडिबल पार्ट जो होता है ना बच्चे, वो कौन है? थैलेमस है। बाहर सारा का सारा मिठास यहां होता है, समझ रहे हैं बात या नहीं? तो आपको समझना है कि फिग में भी इडिबल पार्ट कौन है, अंजीर में भी इडिबल पार्ट कौन है? थैलेमस इडिबल पार्ट होता है। और अंदर इसके बहुत सारे क्या है? फ्लावर है। अगर अंजीर के फ्रूट को कच्चा अगर आप तोड़ लोगे तो अंदर से छोटे छोटे आपको क्या निकले हुए दिखेंगे? कीड़े निकले हुए दिखेंगे, इंसेक्ट्स दिखेंगे, तो आप तो घबरा जाएंगे देख के कि भाई इसके अंदर तो कीड़े प्रेजेंट है। लेकिन आप समझना कि आप इंटरनल पार्ट तो खाते ही नहीं है अंजीर का। अंजीर का इडिबल पार्ट कौन है? थैलेमस है। इसे फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म कहते हैं कि एक बार अगर इंसेक्ट अंदर आ गया अंडे देने के लिए तो वो बाहर नहीं जाता जब तक कि उसका जो मेल फ्लावर है वो मैच्योर ना हो जाए। और यहां प्रोटोगाइनस कंडीशन है, फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर होते हैं।
समझ रहे हैं बात या नहीं? इंसेक्ट पॉलिनेशन के बाद अगर हम आगे बढ़े तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में एक तो पॉलन किट की आपको बात याद करनी है पॉलन ग्रेन पर, दूसरा याद करना है सबसे ज्यादा पॉलिनेशन इंसेक्ट्स करवाते हैं, तीसरा आपको उसमें बीज याद करनी है। बीज में येलो कलर के लिए तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है लेकिन रेड कलर की ब्राइनलेस होती है, सही है बात या नहीं? और तीन एग्जाम्पल याद करने, एक तो यूका मोथ, एक एमोर्फोफिलस और मोथ, और एक आपको फाइकस और वास्प याद करना है। क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बर्ड से होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहते हैं तो आप बताना ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। किसके लिए? बर्ड पॉलिनेशन के लिए। ठीक है। काइरोप्टेरोफिली अगर बोला जाए तो आप बताना बैट्स की बात हो रही है, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने हमें लिख के दिए है ना, बैट्स हमें लिख के दिए हैं, इंसेक्ट हमें लिख के दिए हैं, सही है बात या नहीं? बर्ड्स हमें लिख के दिए हैं तो इनसे होने वाले पॉलिनेशन के लिए क्या बोलेंगे हम? काइरोप्टेरोफिली किसके लिए? बैट्स के लिए। ऐसे मेलेकोफिली होती है स्नेल्स के लिए, गोंगा, समझ रहे हैं बात या नहीं? तो उसके लिए क्या है? मेलेकोफिली। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स है। माइमर्कोफिली बोले जाते हैं आंट्स के लिए, किसके लिए? आंट्स के लिए, माइमर्कोफिली। तो ऐसे बहुत सारी माइमर्कोफिली आंट्स के लिए, मेलेकोफिली स्नेल्स के लिए। तो बोलो टर्म्स तो पढ़ने के लिए क्या है? बहुत सारे, लेकिन सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात यहां तक? अच्छे से। किसी को प्रॉब्लम? हाँ भाई, याद रहे मैंने जूस्टेरा, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला पढ़ाते टाइम ये बात बहुत अच्छे से बताई थी कि जो फ्लावर पानी के अंदर होते हैं उनमें पॉलिनेशन वाटर से होता है, लेकिन अगर वहीं पर वाटर लिली की बात की जाए, वाटर लिली की बात करें, लोटस की बात करें, वाटर हाइसेंथ की बात करें, तो आपको बाय इंसेक्ट याद करना है पॉलिनेशन। बहुत सही से बता के गया था ये बात मैं आपको, क्योंकि इनका फ्लावर पहले से ही बाहर है पानी से। पानी के अंदर होगा तो, लेकिन पानी से बाहर होगा तो। क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। तो अब आप बताइए कि भाई पॉलिनेशन भी हो गया, फीमेल एग सेल का फॉर्मेशन एम्ब्रियो सैक में हमने कर लिया था ओव्यूल के अंदर, पॉलन ग्रेन्स जो है वो मैच्योर होकर स्टिग्मा पर आ गए हैं, तो अब अगला काम हमारा है स्टिग्मा पर आए हुए पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होना, मतलब पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, उसको शुरू करेंगे। हाँ बेटा, पहले आप बता दीजिए। मर जाएगा ना वो तो, अब तो अंडों से नए निकलेंगे, उसने तो अपना लाइफ स्पैन वहीं खत्म कर लिया, उसके बाद अब अंडों से नए निकलेंगे, और वो जब तक नए निकलेंगे तब तक फ्लावर जो है इन्फ्लोरेसेंस जो है वो मैच्योर हो जाएगा और ऊपर वाले जो हेयर्स है वो हट जाएंगे। तो जब इंसेक्ट अंडों से निकलकर बाहर जाएंगे तो तब तक मेल फ्लावर भी मैच्योर हो जाएंगे और उनके पॉलन ग्रेन्स को लेकर जाएंगे वो साथ में। हाँ, वो तो जो अंडे देने के लिए आया था वो तो खत्म हो गया ना, अब तो नए निकलेंगे ना अंडों से। बढ़े आगे, चलो अब बात करेंगे हम पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन की। देखो एक बात ध्यान रखो आप कि सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन सेम ही स्पीसीज की स्टिग्मा पर जर्मिनेट होते हैं। आपको याद होगा जब मैं सेल बायोलॉजी आपको मैंने पढ़ाई है, सेल मेम्ब्रेन आपको मैंने पढ़ाया, सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर हमने ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात की थी सेल टू सेल इंट्रैक्शन के लिए। बताइए सेम मेथड यहां है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मैंने आपको समझाया था सेल टू सेल इंट्रैक्शन का तरीका, मैंने कहा था सेम स्पीसीज वाला जेनेटिक मटेरियल कॉम्पैटिबल ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनाता है, जिसमें ब्लड एंटीजन और फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल हमने लिया था। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर वीट का पॉलन ग्रेन राइस की स्टिग्मा पर जाकर गिरेगा, किसका पॉलन ग्रेन? वीट का पॉलन ग्रेन अगर किसकी, तो पॉलिनेशन हो तो जाएगा, गिर तो जाएगा, लेकिन जर्मिनेट नहीं करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा।
नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब आप बताओ कि यहां अगर पॉलन ग्रेन आ रहा है, ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया है ना जो, तो पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का होना चाहिए, डिफरेंट स्पीसीज का नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन यह भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन करवाना चाहते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में स्पीसीज बदल जाती है, जीनस सेम रह जाते हैं, यस और नो? तो अगर आप ऐसा करवाना चाहते हैं तो आप बताइए कि पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन वाला जो पोर्शन होगा, मतलब जहां पॉलन ग्रेन्स जो है बच्चे वो स्टिग्मा पर गिरते हैं और जर्मिनेट होते हैं, तो आपको पॉलन ग्रेन्स को तो बोलो लैब में ही जर्मिनेट करवा के फिर पॉलन ट्यूब को अंदर ग्रो करवाना पड़ेगा। मतलब ये पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन वाले प्रोसेस को आपको बाईपास करना पड़ता है, और ऐसा साइंटिस्ट करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? जिससे कि हाइब्रिड्स तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? हाइब्रिड्स। लेकिन अपना काम ये नहीं कि आर्टिफिशियली क्या हो रहा है, हमारा चैप्टर है कि नेचुरली क्या होता है। तो नेचुरली हम कहेंगे कि भाई सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन उसी स्पीसीज की स्टिग्मा पर गिरे, चाहे वो ऑटोगैमी हो सेल्फ पॉलिनेशन, चाहे वो जेटेनोगैमी हो क्रॉस पॉलिनेशन, और चाहे वो प्योर क्रॉस पॉलिनेशन में जीनोगैमी हो, लेकिन पॉलन ग्रेन गिरना सेम स्पीसीज पर चाहिए। वीट का पॉलन ग्रेन वीट के प्लांट पर जर्मिनेट करेगा, पीपल का पीपल पर जर्मिनेट करेगा, मैंगो का पॉलन ग्रेन मैंगो पर जर्मिनेट करेगा, लोटस का पॉलन ग्रेन लोटस पर ही जर्मिनेट करेगा। मतलब स्पीसीज क्या होनी चाहिए? समझ रहे हैं बात या नहीं? अब आप बताइए कि जब पॉलन ग्रेन गिरते हैं कहां पर? स्टिग्मा पर आकर। तो पॉलन ग्रेन पर होता है जर्म पोर। क्या होता है? जर्म पोर, सही है। अगर हम डाइकोट की बात करते हैं तो हम डाइकोट में जर्म पोर बताते हैं 3, और अगर हम मोनोकोट की बात करते हैं तो मोनोकोट पर जर्म पोर बताते हैं हम 1। सही है बात या नहीं? आप बताइए कि जो पॉलन ग्रेन था, जैसे मैं कहूं कि भाई ये पॉलन ग्रेन के ये ऊपर एक्साइन पार्ट, और एक्साइन पार्ट के साथ साथ जिस जगह पे मैंने स्पोरोपोलेनिन नहीं बनाया उसको मैं कह दूंगा जर्म पोर। क्या कह दूंगा? तो बताइए कि ये जर्म पोर है, यस और नो? तो बताइए स्टिग्मा पर गिरने के बाद ये अपने जर्म पोर के थ्रू वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं स्टिग्मा से, सही है? न्यूट्रिएंट्स आते हैं तो पीछे पीछे क्या आता है? पानी। न्यूट्रिएंट्स मिनरल एक ही बात है, अगर वो अंदर आते हैं तो पीछे पीछे क्या आता है? पानी आता है। पानी आने से क्या होगा कि पॉलन ग्रेन की ग्रोथ होगी। पॉलन ग्रेन की ग्रोथ होगी तो बोलो इसका इंटाइन पार्ट है कौन? इंटाइन पार्ट जो है उस इंटाइन पार्ट की आउटर ग्रोथ शुरू होगी। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब इंटाइन पार्ट की आउटर ग्रोथ शुरू होगी तो बोलो इंटाइन पार्ट बाहर की तरफ निकलना शुरू करेगा, और जब इंटाइन पार्ट बाहर की तरफ निकलना शुरू करेगा तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? पॉलन। और ट्यूब के लिए टर्म आती है साइफोनो। सही है बात या नहीं? तो इसे हम साइफोनोगैमी के नाम से जानते हैं, यस और नो? आप बताइए कि जो मोनोकोट्स होते हैं, मोनोकोट्स में मोनोसाइफोनस जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन होता है, मोनोसाइफोनस, क्योंकि जर्म पोर कितने हैं? तो पॉलन ट्यूब एक ही बन सकती है ना, लेकिन जितने जर्म पोर उतने पॉलन ट्यूब तो बन ही सकती हैं, क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो बाहर की तरफ इंटाइन पार्ट तो ग्रो निकल ही सकता है। तो इसका मतलब डाइकोट में एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब एक साथ बन सकती हैं। तो आपको ये कभी नहीं समझना, याद नहीं करना कि भाई एक ही पॉलन ट्यूब बन रही है। बोलो पॉलन ट्यूब तो एक से ज्यादा बन सकती है, मतलब मल्टी या डाई साइफोनोगैमस कंडीशन हो सकती है, लेकिन उसमें गैमेट्स किसी एक ही पॉलन ट्यूब में होंगे। गैमेट्स किसी एक ही पॉलन ट्यूब में होंगे। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो मोनोकोट्स के अंदर तो बोलो जर्म पोर ही एक है, तो मोनोसाइफोनस कंडीशन है। मोनो साइफोनस कंडीशन है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, अभी हुआ क्या कि 17, 18, 19 का लास्ट संडे टेस्ट था, तो टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था ये मोनोसाइफोनस जर्मिनेशन के लिए कि विच वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए सही क्या नहीं है। तो उसमें मोनोसाइफोनस जर्मिनेशन लिखा था, तो उनको लगा कि भाई पॉलन ट्यूब तो एक ग्रो करती है जिसमें मेल गैमेट जाते हैं, लेकिन पॉलन ट्यूब तो एक से ज्यादा भी बन सकती है, कुकुरबिटेसिस में तो 3 से भी ज्यादा बन जाती है कुकुरबिटा के अंदर। समझ रहे हैं बात या नहीं? लेकिन हमें इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जर्म पोर जितने बनते हैं उतने पॉलन ट्यूब भी बन सकती है। ठीक है बाप? तो आप बताइए कि मोनोकोट में जर्म पोर कितने याद करते हैं और डाइकोट में?
तीन। क्लियर है बात? अच्छे से और सुनिए, अब बताइए कि भाई जो पॉलन ट्यूब बनी है, क्या बनी है? इस पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे? और पॉलन ट्यूब जब पॉलन ग्रेन से बनती है तो स्टाइल में ग्रो करती है, किस में ग्रो करती है? और स्टाइल हमने दो तरीके की बताई थी अगर आपको याद हो तो। एक तो मैंने आपको स्टाइल बताई थी बच्चे होलो, सही है, और एक हमने सॉलिड स्टाइल पढ़ी थी, ऐसा हमने सोलेनेसी में कहा था, याद है आपको कि सोलेनेसी फैमिली के अंदर स्टाइल जो है वो कैसी है? सॉलिड है। तो बोलो अगर होलो स्टाइल है तो जो सेल्स होंगी वो पेरिफेरल होंगी, स्टाइल के अंदर सेल्स क्या होंगी? पेरिफेरल, और इस पेरिफेरल सेल्स के बीच का जो स्पेस है यहां पर पॉलन ट्यूब इजीली ग्रो कर लेगी। लेकिन अगर स्टाइल कैसी है? सॉलिड स्टाइल है। कैसी स्टाइल है? तो सॉलिड स्टाइल में तो यहां सेल्स प्रेजेंट होंगी, क्या प्रेजेंट होंगी? सेल्स प्रेजेंट होंगी सॉलिड स्टाइल में। और बताइए कि जब ये सेल्स यहां प्रेजेंट है तो पॉलन ट्यूब को यहां ग्रो करने के लिए इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए मैंने बताया था सेल्युलेज और पेक्टिनेज एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं। ये जो बीच वाला हिस्सा है यहां पर, यहां सेल्युलेज और पेक्टिनेज एंजाइम को पॉलन ट्यूब क्या करेगी? सिक्रीट करेगी। और जब सेल्युलेज और पेक्टिनेज एंजाइम सिक्रीट करेगी तो वो सेल्स को क्या करते जाएंगे? डैमेज। तो यहां बताते हैं हम कौन कौन से एंजाइम, सेल्युलेज एंड पेक्टिनेज, इनको सिक्रीट करते हैं जिससे ये सेल्स क्या होती जाती है? डिस्ट्रॉय। और जो पॉलन ट्यूब है बच्चे वो सॉलिड स्टाइल में आगे ग्रो करते जाएगी। क्लियर है बात या नहीं? अब यहां ना एक बात ध्यान रखना, जो बात मैं अभी बोल रहा हूं ये आपके 12th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 11th क्लास की एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपके ये हेल्प आएगी। मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर, मिनरल न्यूट्रिशन में जो 13 मिनरल मुझे पढ़ाए गए, वैसे मेरे को आपको याद करवाने हैं एसेंशियल 14, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखे 13 है, उसमें निकल के बारे में नहीं लिखा एनसीईआरटी ने, नाइट्रोजन से लेकर क्लोराइड अंत तक लिखा है उसने। तो उसमें एक आयन पढ़ाती है बोरोन, कि प्लांट बोरोन को बोरेट आयन की फॉर्म में अब्सॉर्ब करते हैं, बोरोन इज हेल्पफुल फॉर द पॉलन जर्मिनेशन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि स्टाइलर रीजन में पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए कहां पर? स्टाइलर रीजन में पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए एक केमिकल आपको कॉम्प्लेक्स आपको याद करना है, कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। इनोसिटॉल शुगर है और कैल्शियम मतलब कार्बोहाइड्रेट है, और कैल्शियम बोरॉन आयंस है, तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। क्या बोलोगे? कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। इसका ना कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ाऊंगा आपको, यहां भी बता देता हूं। मेम्ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है, मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है मेजर? तो हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन में कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे और कौन से बाहर, इसे हम मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कहते हैं। तो आप बताइए कि कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स बेसिकली रेगुलेट द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, बेसिकली रेगुलेट द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो आप बताइए कि जब पॉलन ट्यूब यहां ग्रो करेगी स्टाइलर रीजन में, तो आप बताएं कि स्टाइलर रीजन में पॉलन ट्यूब जब ग्रो कर रही है तो ग्रोथ करते टाइम न्यूट्रिशन लेगी कहां से? बोलो स्टाइल की सेल से। न्यूट्रिशन लेगी कहां से? बोलो स्टाइल की सेल से लेगी। तो स्टाइल की सेल से कौन से न्यूट्रिएंट्स या कौन सा न्यूट्रिशन पॉलन ट्यूब के अंदर एंटर करता जाएगा, ये रेगुलेट करने का काम कौन करवा रहा है यहां पर? क्योंकि इनका मेन फंक्शन जो होता है वो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी पर होता है। किस पर होता है? मेम्ब्रेन परमेबिलिटी पर। किसका काम कर रहा हूं? कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। और मजे की बात ये, प्लांट बॉडी में कैल्शियम के अपटेक और यूटिलाइजेशन में बोरॉन हेल्प करता है। तो आपको समझना है कि जहां जहां काम कर रहा है कैल्शियम, कौन? बोरॉन को तो काम करना ही पड़ेगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स में कैल्शियम और बोरॉन साथ में रखे गए। तो क्या पॉलन जर्मिनेशन में कैल्शियम हेल्प करता है? क्या पॉलन जर्मिनेशन में बोरॉन हेल्प करता है?
लेकिन फिर भी मजे की बात है कि एनसीईआरटी ने अपने लिटरेचर में कैल्शियम में नहीं लिखा पोलन जर्मिनेशन को, बोरॉन में लिखा। तो फ्यूचर में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और मुझसे पोलन जर्मिनेशन पूछा जाएगा और कैल्शियम और बोरॉन में से किसी को मुझे चूज करना होगा, तो मैं बोरॉन को प्रायोरिटी दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि हमारे लिटरेचर में हमें पढ़ाया क्या गया, हमारे लिटरेचर में हमें पढ़ाया क्या गया, बोरॉन। क्लियर है बात या नहीं? अब आप बताइए कि हमने कहा कि जो पॉलन ग्रेन्स आते हैं 60% केसेस में तो शेड होते हैं स्टिग्मा पर, ये टू सेल कंडीशन के अंदर। कैसी कंडीशन में? कितने केसेस में? और 40% केसेस में थ्री सेल कंडीशन में आते हैं। सही है बात या नहीं? तो अब उस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। आप बताइए कि भाई हमारे पास ये स्टिग्मा है, मैं सिर्फ स्टिग्मा की बात कर रहा हूं अभी, इस स्टिग्मा पर कौन गिरा और पॉलन ग्रेन बताइए कि भाई एक तो एन टाइप का न्यूक्लियस ये प्रेजेंट है और एक यहां एन टाइप का न्यूक्लियस वाली सेल, ये जनरेटिव सेल है। तो बोलो ये टू सेल कंडीशन में पॉलन ग्रेन आया। कैसे कंडीशन में आया? टू सेल कंडीशन में। और ऐसा हमने कहा है कि 60% एंजियोस्पर्म्स में होता है। यस और नो? तो आप बताएंगे कि भाई इससे पहले तो पॉलन ट्यूब बनेगी। अब स्टाइलर रीजन में जब पॉलन ट्यूब बनती है, कौन बनती है? तो पॉलन ट्यूब का डायरेक्शन जो होता है वो आप बताइए कि ट्यूब न्यूक्लियस करवाता है। कौन करवाता है? ट्यूब न्यूक्लियस करवाता है। तो ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है, यहां आगे चलता है कि भाई देखो मैं करवाता हूं पॉलन ट्यूब की ग्रोथ। तो स्टाइलर रीजन में पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए आगे कौन चल रहा है? ट्यूब न्यूक्लियस। सही है बात या नहीं? अब ट्यूब न्यूक्लियस के साथ साथ पीछे बताओ जनरेटिव सेल आ रही है। कौन आ रही है? अब थोड़े टाइम बाद होगा क्या कि जो स्टिग्मा है, कौन इस स्टिग्मा से जब पॉलन ट्यूब स्टाइलर रीजन में एंटर करती है तो आप बताएंगे कि भाई आगे तो चलेगा ट्यूब न्यूक्लियस। कौन चलेगा? ट्यूब न्यूक्लियस। और पीछे की तरफ जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी? दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। तो 60% केसेस में तो ऐसा होता है कि पॉलन ग्रेन आया टू सेल कंडीशन में। ये बात मैं पॉलन ग्रेन के मैच्योरेशन के टाइम पे आपको बता के गया था कि टू सेल कंडीशन में पहले पॉलन ट्यूब इनिशिएट होती है फिर मेल गैमेट बनते हैं। सही है बात या नहीं? लेकिन इसके अपोजिट अगर हम 60% केसेस की बात करते हैं, 40% की बात करते हैं, तो 40% केसेस में आप बताइए कि इस स्टिग्मा पर, ये जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन गिरा ही थ्री सेल्ड कंडीशन के अंदर है। सही है बात या नहीं? मतलब दो मेल गैमेट और एक जनरेटिव न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट, ट्यूब सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन कैसी है? थ्री सेल्ड कंडीशन में जब पॉलन ट्यूब बनेगी, क्या बनेगी? क्या बनेगी? तो आप बताइए कि पॉलन ट्यूब जो है वो स्टार्टिंग से ही, जब से ग्रो कर रही है तभी से ही, जब से ग्रो कर रही है तभी से ही क्या करेगी वो? बोलो आगे तो चलेगा ट्यूब न्यूक्लियस। कौन चलेगा? ट्यूब न्यूक्लियस। और स्टार्टिंग से बोलो इसमें दो मेल गैमेट चल रहे होंगे। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? और ऐसा हम बताते हैं कि भी थ्री सेल्ड कंडीशन जो है ये 40% एंजियोस्पर्म्स में हमें देखने को मिलता है, ऐसा हमने पढ़ा। तो आप बताइए कि भाई थ्री सेल्ड कंडीशन में पहले जनरेटिव सेल से मेल गैमेट बन जाते हैं फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, लेकिन 60% के अंदर जो टू सेल्ड कंडीशन में आता है उसमें पहले पॉलन ट्यूब इनिशिएट होती है और उसके बाद फिर जनरेटिव सेल से मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ये बात मैं आपको पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के टाइम पे भी समझा के आया था और आज मैं फिर से बता रहा हूं। क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे। फिर आप बताइए कि स्टाइलर रीजन में जब ये पॉलन ट्यूब ग्रो करती है तो पॉलन ट्यूब स्टाइल की सेल से न्यूट्रिशन लेती है
और उसमें उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। कौन हेल्प करता है? जो कि बेसिकली मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है, बेसिकली मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। सही है बात या नहीं? अब आप बताइए कि ये पॉलन ट्यूब ग्रोथ करती हुई ओवरी वाले रीजन में आती है, कहां पर आती है? जब ये पॉलन ट्यूब ग्रोथ करते हुए ओवरी वाले रीजन में आएगी, अब मैं सिर्फ ओवरी बना रहा हूं यहां पर, ये कौन है? ओवरी। सही है। और ओवरी के अंदर कौन प्रेजेंट है? ओव्यूल। यहां प्लेसेंटा, फ्यूनिकल सब, और ये एम्ब्रियो सैक, और इधर बच्चे ये एंटीपोडल, इधर सिनर्जिड और एक एग सेल, और साथ ही साथ इधर फिलिफॉर्म ऑपरेटस। सही है। तो आप बताएंगे कि जब पॉलन ट्यूब ऊपर से ग्रोथ करती हुई आएगी, तो पॉलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइलर रीजन से अंदर जाएगी। पॉलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइलर एंड से या माइक्रोपाइल से अंदर जाएगी। इसमें यहां पर हेल्प करने के लिए फिलामेंट होते हैं, ऑब्टुरेटर्स। सही है बात या नहीं? और आप बताइए कि अगर पॉलन ट्यूब यहां माइक्रोपाइलर रीजन से जाएगी, तो इसे हम पोरोगैमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? और आपको याद करना है कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में ऐसा ही होता है, और एनसीईआरटी ने हमें पोरोगैमी ही पढ़ाई है। एनसीईआरटी ने भी हमें पोरोगैमी ही पढ़ाई है, और एनसीईआरटी का जो फर्टिलाइजेशन हम पढ़ते हैं बच्चे यहां पर, वो हमें पोरोगैमी के अकॉर्डिंग ही याद करना है। किसके अकॉर्डिंग? लेकिन आपको ये भी समझना है कि जो पॉलन ट्यूब है वो कुछ केसेस में ये बीच वाले रीजन से भी चली जाती है, इसे हम मीजोगैमी के नाम से जानते हैं, यस और नो? और कुछ केसेस में ये पॉलन ट्यूब चलाजल एंड से भी आती है, इसको हम चलाजोगैमी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये टर्म्स बस हमें पता होने चाहिए, इनको याद करने की जरूरत हमें नहीं है। हमें याद रखना है पोरोगैमी को, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही हमें दिया गया है। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो पोरोगैमी होने के लिए बोलो ऑब्टुरेटर्स हेल्प करते हैं। अब आपको ये बात समझनी है कि पॉलन ट्यूब चाहे पोरोगैमी से अंदर आए, चाहे चलाजोगैमी और चाहे मीजोगैमी से अंदर आए, आकर जुड़ेगी हमेशा फिलिफॉर्म ऑपरेटस के साथ। किसके साथ? जुड़ेगी हमेशा फिलिफॉर्म ऑपरेटस के साथ, क्योंकि एग सेल जो है वो फिलिफॉर्म ऑपरेटस वाली तरफ ही है, माइक्रोपाइलर रीजन पर ही है। तो बताइए कि पॉलन ट्यूब चाहे चलाजल एंड से एंटर करे, पॉलन ट्यूब चाहे मीजोगैमी से आए, मतलब बीच में से कहीं से आए, और चाहे पोरोगैमी से आए, आए किसी भी रीजन से, जुड़ेगी किसके साथ? फिलीफॉर्म एपरेटस के साथ, क्योंकि फिलीफॉर्म एपरेटस यहाँ कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जो पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ क्या करते हैं। तो आप बताएंगे कि यहाँ पॉलन ट्यूब की जो मूवमेंट है वो पॉलन ट्यूब खुद भी ग्रो कर रही है, यहाँ खुद भी केमिकल सिक्रीट करती है, तो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। आपको दो मूवमेंट पढ़ाऊंगा मैं, अभी इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूं। कारण क्या है कि जब मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे हम प्लांट फिजियोलॉजी में, तो राइजोबियम बैक्टीरिया को मैं रूट्स की तरफ जब अट्रैक्ट करवाऊंगा नोड्यूल फॉर्मेशन में, तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट और कीमोट्रॉपिक मूवमेंट का बेसिक डिफरेंस आपको बता के जाऊंगा, क्योंकि अभी हमारा ये टॉपिक है ही नहीं ना कि कीमोटैक्टिक क्या होता है या कीमोट्रॉपिक क्या होता है। तो फ्यूचर में इसके बारे में आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कीमोट्रॉपिक क्या है और कीमोटैक्टिक क्या है, और दोनों का बेसिक डिफरेंस भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमें ज्यादा ध्यान देना है फर्टिलाइजेशन पर। तो आप बताइए कि जो पॉलन ट्यूब है वो जाकर जुड़ेगी किसके साथ? फिलीफॉर्म एपरेटस के साथ। और फिलीफॉर्म एपरेटस कुछ और नहीं, सिनर्जिड का ही एक्सटेंशन है। किसका? सिनर्जिड का ही क्या है? एक्सटेंशन है। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो अल्टीमेटली आप ऐसे समझे इस बात को कि अगर आप पॉलन ट्यूब को फिलीफॉर्म ऑपरेटस के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब आप इसे सिनर्जिड के साथ जोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? और बताइए फिलीफॉर्म ऑपरेटस तक आते आते ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, क्योंकि यहां पर अब गाइडेंस की जरूरत नहीं है पॉलन ट्यूब को। अब यहां पॉलन ट्यूब की गाइडेंस के लिए ऑब्टुरेटर्स और फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स काम करते हैं। जब तक वो काम नहीं कर रहे थे तब तक तो ट्यूब न्यूक्लियस था कि भाई मैं लीड कर रहा हूं,
लेकिन अब जब फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स या ऑर्बिटेटर्स काम करने लगते हैं तो ट्यूब न्यूक्लियस का काम बचता नहीं, तो बोलो धीरे धीरे ट्यूब न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डीजनरेट। तो अब पॉलन ट्यूब में सिर्फ दो मेल गैमेट ही बचेंगे, पॉलन ट्यूब में सिर्फ दो मेल गैमेट ही बचेंगे, और आप बताएंगे कि यहां पॉलन ट्यूब में अब क्या प्रेजेंट है, दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। समझ रहे हैं बात या नहीं? और ये मेल गैमेट्स वाली जो पॉलन ट्यूब है ये जाकर किससे जुड़ेगी, किसी एक सिनर्जिड से, ऐसे बोलो, किसी एक सिनर्जिड से जाकर जुड़ेगी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, एम्ब्रियो सैक बना रहा हूं, सिर्फ क्या बना रहा हूं, सिर्फ एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर, ठीक है। इधर तीन सेल कौन सी थी, ये एंटीपोडल, ये दो सेल कौन सी थी, सिनर्जिड, और ये एक क्या थी, एग सेल, सही है। और यहां दो ये क्या थे, एन एन टाइप के, तो आप बताइए पोलर न्यूक्लियाई, ऐसा ही था। अभी तक ये पोलर न्यूक्लियाई अलग अलग है, एन प्लस एन की कंडीशन में है, तो एम्ब्रियो सैक की जो हम बताते हैं प्लॉइडी बच्चे वो एन टाइप की बताते हैं, और ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस है। आप बताएंगे कि पोलन ट्यूब आएगी, कौन आएगी, और किसी एक सिनर्जिड के साथ जुड़ेगी, किसी एक सिनर्जिड के साथ जुड़ेगी। तो बोलो किसी एक सिनर्जिड के साथ जुड़ी, तो उसके अंदर दो क्या थे, मेल गैमेट, सही है। बताइए जिसके साथ पोलन ट्यूब जुड़ती है वो सिनर्जिड तो रह जाती है, और दूसरी सिनर्जिड बोलो मुंह फुला लेती है, अभी मेरे साथ तो जुड़ा ही नहीं तुमने, समझ रहे बात या नहीं, तो बोलो दूसरी सिनर्जिड क्या हो जाती है, एग्जैक्टली। तो आपको बताना है कि दोनों सिनर्जिड में से किसी एक सिनर्जिड के साथ कौन जुड़ा, और दूसरी सिनर्जिड क्या हो गई, डीजनरेट। ऐसा ऑटोमेटिकली आपको, ऐसा हमने बोलो ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व किया है मतलब ये फैक्चुअल बात है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। दोनों सिनर्जिड में से किसी भी एक के साथ पोलन ट्यूब जुड़ेगी रैंडमली, फैक्ट है ये। और जैसे पोलन ट्यूब एक के साथ जुड़ती है तो दूसरी डीजनरेट हो जाती है, सही है बात या नहीं। अब आपको बताना है कि बेसिकली अब यहां पोलन ट्यूब जो है अपने मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगी कहां, एक सिनर्जिड के अंदर, यस और नो। तो यहां अब सिनर्जिड में बोलो मेल गैमेट हो गया एक, दो तो हो गए मेल गैमेट और दो एक न्यूक्लियस हो गया सिनर्जिड का खुद का, तो टोटल न्यूक्लियस तीन हो गए सिनर्जिड में, सही है बात या नहीं। सिनर्जिड में जो तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, किसमें कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, उनमें से बोलो एक न्यूक्लियस तो एग सेल के साथ जुड़ेगा, मेल गैमेट का एक न्यूक्लियस तो किससे जुड़ गया, एग सेल से, सही है बात या नहीं, यस और नो। आप बताइए मेल और फीमेल गैमेट का ये हो गया फर्टिलाइजेशन, सही है। और बताइए कि ये जो सेल अभी एन एन टाइप के न्यूक्लियस वाली थी, ये टू एन टाइप के जाइगोट में कन्वर्ट होगी, क्लियर है बात या नहीं। और जैसे ही क्या होता है कि भाई एक मेल गैमेट एग सेल के न्यूक्लियस के साथ जाकर मिक्स होता है, तो आपको ये बात समझनी है कि भाई जो जाइगोट सेल बनती है, जो एग सेल बनती है, वो अपने चारों तरफ बनाती है एक फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, जिससे कि दूसरा मेल गैमेट जाइगोट से नहीं जुड़ता, समझ रहे हैं बात या नहीं। क्या बनती है, एक फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन जिससे कि दूसरा मेल गैमेट एग सेल मतलब जाइगोट से, तो बोलो दूसरा मेल गैमेट यहां फ्री रह जाता है, यस और नो। इधर जब ये जुड़ते तो बोलो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो आपके पास पोलर न्यूक्लियाई थे वो फ्यूज होकर 2n हो जाते हैं, बोलो बिफोर फर्टिलाइजेशन n प्लस एन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन 2n, सही है बात या नहीं। और फिर बताइए कि जो दूसरा मेल गैमेट है कौन सा, सेकंड मेल गैमेट जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से बोलो इस पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है, यस और नो।
और इससे फ्यूज होकर इस न्यूक्लियस को कन्वर्ट कर देता है किसमें, 3N टाइप के न्यूक्लियस में, किसमें? तो बोलो इसको भी हम एक तरह से फर्टिलाइजेशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, ये तो हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सही है, और इसको क्या बोल देते हैं, क्योंकि मेल गैमेट तो फ्यूज हो ही रहा है ना बच्चे, मेल गैमेट तो एम्ब्रियो सैक में फ्यूज हो ही रहा है ना, तो फर्टिलाइजेशन कितने बता दिए, कितने बता दिए, कितने बता दिए? बोलो ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा? जिसमें फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हम किसका पढ़ते हैं, एग सेल का, एग सेल और मेल गैमेट का, और दूसरा फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट और पॉलर न्यूक्लियाई। तो बोलो बिफोर फर्टिलाइजेशन पॉलर न्यूक्लियाई बताओगे एन प्लस एन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन 2N, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये 3N में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इससे मेल गैमेट जुड़ जाता है। क्लियर है बात यहां तक? अच्छे से। इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? और बताइए डबल फर्टिलाइजेशन में, बोलिए, जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन हुआ है इसे ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस मिक्स होते हैं। तो बताओ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन यूनिक फीचर फॉर एंजियोस्पर्म्स। पूरे प्लांटी किंगडम में एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, पांचों डिवीजन में से सिर्फ एंजियोस्पर्म्स प्लांट ही ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है, जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है। इसके अलावा आपको कोई भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है बात? yes, बेटा आज आपकी क्लियर हो गई ना बात कि ट्यूब न्यूक्लियस कहां, मेल गैमेट कहां, है ना? समझ गई हैं आज तो आप? तो बताता मैं सारी बातें, इसलिए मैंने बोला था कि फ्यूचर में आपको ये मिल जाएगा अच्छे से, है ना? आज आप खुश भी बहुत होंगे कि सर ने बता भी दिया मेरे को। नहीं बच्चे, मेरा काम यही है। तो आप समझे बच्चे की डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन किसकी बात कर रहे हैं, इज यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता, इसके अलावा। और बताइए सिनर्जिड दोनों डिस्ट्रॉय, साथ ही साथ बोलो एंटीपोडल भी डिस्ट्रॉय, सही है? मतलब जब तक ये होता है कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन जब तक नहीं हुआ तब तक तो एंटीपोडल और सिनर्जिड दिखती है, लेकिन जैसे डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो बोलो एंटीपोडल भी क्या होती है, दिखना बंद हो जाती है और सिनर्जिड भी दिखना बंद हो जाती है। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिड और एंटीपोडल ऑब्जर्व नहीं होती है। समझ रहे हैं बात? दो पोलर न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट। बच्चे हाँ, तो ये एन एन टाइप का एक न्यूक्लियस तो इसमें भी होगा ना, मेल गैमेट में भी एन एन टाइप का एक न्यूक्लियस इस मेल गैमेट में, एक न्यूक्लियस इस मेल गैमेट में। तो इस मेल गैमेट का न्यूक्लियस तो एग सेल से जुड़ गया और इस मेल गैमेट का न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियस से जुड़ गया। अब यहां बताओ कितने न्यूक्लियस मिक्स हुए, बस ट्रिपल फ्यूजन, है ना? बढ़े भाई आगे। अब आप बताइए कि बेसिकली इस पूरी स्ट्रक्चर में, एम्ब्रियो सैक में हमारे पास बचेगा क्या क्या? बोले एक तो लार्ज सेंट्रल सेल होगी, उसका 3N टाइप का न्यूक्लियस होगा, सही है? और इसमें एक बोलो जाइगोट होगा। ये जो है ये क्या है? जाइगोट। और जाइगोट कैसा होगा? बोलो 2N प्लॉइडी का, सही है? 3N प्लॉइडी का ये जो न्यूक्लियस अभी बना है पॉलर न्यूक्लियस में मेल गैमेट के फ्यूजन से, बोलो इसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे हम। इन शॉर्ट इसे PEN कहा जाता है।
और बोलो जो लार्ज सेंट्रल सेल है ये, इसे बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, बोलो पीईसी के नाम से जानेंगे इसे हम। मतलब लार्ज सेंट्रल सेल जिसका कि न्यूक्लियस अभी ट्रिपल फ्यूजन से थ्री एन टाइप का बना है, यस और नो? यस और नो? उस लार्ज सेंट्रल सेल को तो बोलेंगे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सही है? और उसका जो न्यूक्लियस होगा थ्री एन टाइप का, उसे बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर है बात? यस और नो? अच्छा बताइए कि एट द टाइम ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन हाउ मैनी न्यूक्लियस गेट फ्यूज्ड, हाउ मैनी न्यूक्लियस गेट फ्यूज्ड? फाइव। दो पोलर न्यूक्लियाई, दो मेल गैमेट, एक एग सेल, सही है? ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन हाउ मैनी गैमेट्स गेट फ्यूज्ड? थ्री गैमेट्स। बोलो दो मेल गैमेट, एक एग सेल, पॉलर न्यूक्लियाई गैमेट नहीं है। ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन हाउ मैनी मेल गैमेट्स गेट फ्यूज्ड? सही है बात या नहीं? एंड ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन हाउ मैनी फीमेल गैमेट्स गेट फ्यूज्ड? ड्यूरिंग ट्रिपल फ्यूजन हाउ मैनी फीमेल गैमेट्स गेट फ्यूज्ड? हाँ, ट्रिपल फ्यूजन में फीमेल गैमेट होता ही नहीं है। हाउ मैनी गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रिपल फ्यूजन? और हाउ मैनी मेल गैमेट? हाउ मैनी पॉलर न्यूक्लियाई? एग्जैक्टली। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िएगा ध्यान से कि डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे उन्होंने मेल गैमेट कितने पूछे हैं, फीमेल गैमेट कितने पूछे हैं, टोटल न्यूक्लियस कितने पूछे हैं, पॉलर न्यूक्लियाई कितने पूछे हैं, और बच्चा फिर रखेंगे आप। बढ़ू मैं आगे? आपको बताना है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है कौन, नाउ इट कन्वर्ट इंटू एंडोस्पर्म। बताइए एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग टिश्यू फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहां एक बात का खास ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने एक ही बात को दो बार लिखा, एक बार तो लिखा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में और एक बार उसको सिंपल कर दिया। पूछो कैसे? आप आओ पेज नंबर 34 पे, नीचे नीचे हेडिंग है एनसीईआरटी में एंडोस्पर्म, पहली लाइन पढ़ो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ध्यान देना, आप बताइए कि जब जाइगोट और पीईसी बन जाता है, जाइगोट और तो जाइगोट कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग फेज में चला जाता है, किस पे? वो कहता है पहले एंडोस्पर्म बनाओ, क्योंकि एंडोस्पर्म ही है जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनते टाइम न्यूट्रिशन देगा, इसलिए लिखा है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रसीड, सही है बात या नहीं? इसका मतलब पहले क्या बनेगा और फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो। क्लियर है? इसी बात को 35 नंबर पेज पे जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन पढ़ना शुरू करते हो आप, तो पहली लाइन में लिखा है कि एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल। बढ़ते जाओ आगे, हाँ, एम्ब्रियो सैक, फिर कह रहा है मोस्ट, जाइगोट डिवाइडिंग आफ्टर द ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। मतलब 34 नंबर पेज की जो लाइन है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रसीड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट को ही एलोबरेट करके, इजी करके उसने 35 नंबर पेज पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पे लिखा। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि जाइगोट सडन एम्ब्रियो फॉर्मेशन शुरू नहीं करता है, समझ रहे हैं बात या नहीं? पहले क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा, और फिर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू होगा, समझ रहे हैं बात या नहीं?
फिर आप बताइए कि जब हम एम्ब्रियो एंडोस्पर्म की बात करते हैं, किसकी? तो एंडोस्पर्म हमें तीन तरह का याद करना है। एक तो हमें याद करना है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, बताइए, ये तो हमें याद करना है क्योंकि इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है हमें ये, और एनसीईआरटी ने यही लिखा है हमारे लिए भी। समझ रहे हैं बात या नहीं, कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में देखने को कौन मिलता है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, सही है। न्यूक्लियर के बाद एक एंडोस्पर्म आपको याद करना है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और सेल्यूलर और न्यूक्लियर के बीच का एक पार्ट है हेलोबियल। और अभी मैंने जब लिखा कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कौन, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, तो बीच में से बच्चों की आवाज आ रही थी डाइकोट डाइकोट। समझ रहे हैं बात या नहीं, तो आप बताइए कि हेलोबियल टाइप का जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है वो मोस्टली मोनोकोट्स में देखने को मिलता है, और ऐसा नहीं है कि सारे मोनोकोट्स में ऐसा ही होता है, कुछ में न्यूक्लियर भी है, क्योंकि ट्रांजिशन फेज तो इवोल्यूशन में हर जगह ही है ना। और जो हायर एंजियो मतलब एंजियोस्पर्म्स में मोनोकोट्स की बात करते हैं, उसमें बहुत कम प्लांट्स ऐसे जिनमें हेलोबियल मिलेगा आपको। अब ये तीनों हैं क्या, पहले तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपने, ठीक है, करें शुरू। बताइए जब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करेंगे हम, किसकी? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पीईसी है जिसका एक न्यूक्लियस है अंदर PEN3N टाइप का, सही है। इसमें बताइए होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, क्या होगा? और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने से बोलो एक ही सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? इसे कहेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बेस्ट एग्जांपल है सिनोसाइटिक स्टेज का कोकोनट वाटर। आप बताइए कि कोकोनट वाटर में जो हम पाइप लगा के पीते हैं वो कुछ और नहीं, हम उसके न्यूक्लियस ही पी रहे हैं लिक्विड फेज के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ये बात कब की है? बात तब की है जब हम ग्रीन कलर के बात कर रहे हैं बच्चे, नारियल के ग्रीन कलर का, जब नारियल कच्चा है, हरा नारियल, तो उसका जो पानी पी रहे हैं वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। लेकिन आपको यह भी समझना है कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इन फ्यूचर कन्वर्ट्स इनटू सेल्यूलर बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। और याद रखना कि सेल वॉल या सेल्स का फॉर्मेशन या साइटोकाइनेसिस जो है वो पेरिफेरी से शुरू होता है हमेशा। कहां से? इसीलिए आपको यह बात याद रखनी है कि जब यही हरा नारियल पकेगा, इसको हम छीलेंगे, इसका फाइब्रस मीजोकार्प जब हटाते हैं अंदर से हार्ड बोल निकलती है एंडोकार्प, ड्रुप टाइप के फ्रूट्स हैं ये। एंडोकार्प को जब तोड़ के अंदर से ग्री निकाल के खाते हो ना व्हाइट कलर की, तो बोलो जो एडिबल पार्ट है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। और उस गिरी को भी हिला के देखते हो तो अंदर पानी होता है, तो बोलो गिरी व्हाइट कलर की तो होती है बाहर की तरफ, कोकोनट गिरी जो व्हाइट कलर की बाहर की तरफ, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसका मतलब सेल्यूलर एंडोस्पर्म पेरिफेरी से बनना शुरू होता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? और जब ये स्ट्रक्चर फुल्ली मैच्योर हो जाएगी तो आप बताएं कंप्लीट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कन्वर्ट्स इनटू सेल्यूलर, और उसमें फिर पानी नहीं बचता अंदर। समझ रहे हैं बात या नहीं? इसका मतलब मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में आपको ये याद रखना है कि पहले सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, PEN जो है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से मल्टीपल 3N टाइप के न्यूक्लियस बनेंगे, मल्टीपल 3N टाइप के न्यूक्लियस बनेंगे। और 3N टाइप के न्यूक्लियस बनने के बाद जो मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है वही आगे कन्वर्ट हो जाएगी सेल्यूलर में। समझ रहे हैं बात या नहीं? लेकिन जब आप सेल्यूलर एंडोस्पर्म की बात करते हैं, किसकी? तो आप बताइए कि जो पीईसी है उसमें स्टार्टिंग से ही पूरा माइटोसिस चल रहा है, और स्टार्टिंग से बोलो सेल फॉर्मेशन चल रहा है, इसमें पेरिफेरी या सेंट्रल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। कंप्लीट एंडोस्पर्म बोलो सेल्यूलर ही बनेगा, ऐसा बहुत कम एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। और तीसरे नंबर पे हमने को मतलब दूसरे नंबर पे हमें याद करना है हेलोबियल। हेलोबियल में याद करो कि जो पीईसी है कौन, इसका न्यूक्लियस है 3N टाइप का, इसमें एक डिवीजन होता है जिससे दो सेल्स बनती हैं अनइक्वल साइज की, कितनी साइज की दो सेल बनती हैं, और दोनों का न्यूक्लियस कैसा होता है 3N, और फिर इसमें होता है बोलो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन।
मतलब एंडोस्पर्म तो दो ही सेल का है, लेकिन दोनों सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ऐसी स्ट्रक्चर को बोलो हेलोबियल, हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोबियल। और सेलुलर एंडोस्पर्म का बेस्ट एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म है आपके पास। सेलुलर एंडोस्पर्म का बेस्ट एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म है। तो आपको बताना है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, हेलोबियल और सेल्यूलर। आपको याद न्यूक्लियर और हेलोबियल याद करने हैं, क्योंकि न्यूक्लियर तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में है ही, हेलोबियल मोनोकोट्स में, और सेल्यूलर हमें किसमें मिलता है? जिम्नोस्पर्म्स में। अब बात अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बोल रहा हूं, तो यहां एंडोस्पर्म को लेकर दो बातें बहुत अच्छी बताऊंगा मैं आपको। पहली ये कि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है। एंजियोस्पर्म्स का जो एंडोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म्स का जो, सही है, लेकिन जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो एन टाइप का होता है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म एन टाइप का होता है। आपको मैं बताऊं यहां पर, इधर तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? जिम्नोस्पर्म की, सही है, और इधर मैं बात कर रहा हूं किसकी? एंजियोस्पर्म की। समझ रहे हैं बात या नहीं? आप बताइए कि जब जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है एट्रोपस टाइप का होता है। सबसे पहली बात तो ये याद करो, ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस, जिसमें टिप पर माइक्रोपाइल है, और ये इनका एंडोस्पर्म है। क्या है? एंडोस्पर्म है, और बाहर की तरफ इसमें न्यूसिलस, सही है। इस एंडोस्पर्म में बोलो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है ये, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि हैप्लॉइड होती हैं। कैसी होती हैं? हैप्लॉइड। तो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा? हैप्लॉइड। और बताइए जिम्नोस्पर्म में जो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म है, उसी को ही फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं हम। तो फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, और फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये भी याद रखेंगे। क्या बताएंगे? फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, सही है बात। और आप बताएंगे फिर इसमें प्रेजेंट होती हैं क्या? आर्किगोनिया। बोलो फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या बोलोगे? फीमेल सेक्स ऑर्गन। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? और इस फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनती हैं, बोलो, एग सेल्स। क्या बनती हैं? एग सेल। समझ रहे हैं बात या नहीं? और ऊपर की तरफ ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, इसको पॉलन चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताइए बाई एयर बहुत सारे पॉलन आकर यहां गिरते हैं, बहुत सारे पॉलन यहां आकर गिरते हैं, और फिर पॉलन ट्यूब के थ्रू आर्किगोनिया जो है उसके अंदर होता है क्या? फर्टिलाइजेशन। और एक आर्किगोनिया में एक एम्ब्रियो बनता है, तो बोलो मल्टीपल आर्किगोनिया होने की वजह से पॉली एम्ब्रियोनी होना जिम्नोस्पर्म के लिए आम बात है। यस और नो? लेकिन जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, किसकी बात करते हैं? तो एंजियोस्पर्म्स में आपको बताना है कि जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में ओव्यूल पढ़ा जाता है, वो तो एक तो एनाट्रोपस पढ़ते हो आप, यस और नो? इस एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, सही है, और एम्ब्रियो सैक कैसा? हैप्लॉइड। और इसी को क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो फीमेल गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म में कौन है और एंजियोस्पर्म में कौन है? और एम्ब्रियो सैक के अंदर सिनर्जिड के साथ प्रेजेंट होती है एक एग सेल। क्या प्रेजेंट होती है? यहां आर्किगोनिया नहीं है, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो बताओ फीमेल सेक्स ऑर्गन जिम्नोस्पर्म में तो, और एंजियोस्पर्म में, तो मुझे बताओ कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में से ज्यादा डेवलप गैमेटोफाइट जनरेशन किसकी है? जिम्नोस्पर्म की। उसमें सेक्स ऑर्गन है, यहां सेक्स ऑर्गन भी गायब हो गए हैं। तो आप बताइए एंजियोस्पर्म की गैमेटोफाइट जनरेशन मोर रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म। इसलिए बताइए कि जैसे ही टेरिडोफाइट आए, तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हो गई, गैमेटोफाइट प्रोथैलस, जिम्नोस्पर्म आए तो स्पोरोफाइट और ज्यादा डेवलप, गैमेटोफाइट और ज्यादा रिड्यूस,
तो बोलो एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट जनरेशन मोस्ट रिड्यूस्ड एंड स्पोरोफाइट जनरेशन इज मोस्ट डेवलप्ड। तो सबसे ज्यादा डेवलप गैमेटोफाइट किसका? नहीं, ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स का मॉसेस में मोस्ट डेवलप्ड गैमेटोफाइट होता है। और सबसे ज्यादा स्पोरोफाइट डेवलप किसका? और सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट किसका? और इतना रिड्यूस्ड है कि माइक्रोस्कोपिक है, ना ही इसमें कोई सेक्स ऑर्गन बनते। समझ रहे हैं बात या नहीं? मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है बच्चे एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं ओगोनियम और आर्किगोनियम। यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड हो तो ओगोनियम, मल्टीसेलुलर जैकेटेड हो तो आर्किगोनियम। सही है बात या नहीं? बताइए टेरिडोफाइट लास्ट डिवीजन है, लास्ट डिवीजन है कौन, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया है। जिम्नोस्पर्म में एंथ्रीडिया नहीं, पोलंग्रेन बन जाते हैं। सही है बात या नहीं? और बताइए आर्किगोनिया के लिए लास्ट डिवीजन जिम्नोस्पर्म है। आर्किगोनिया जिम्नोस्पर्म तक दिखती है, एंजियोस्पर्म्स में नहीं दिखती। तो एंथ्रीडिया के लिए पूछा जाए तो बोलो टेरिडोफाइट लास्ट डिवीजन याद करेंगे, और आर्किगोनिया के लिए पूछा जाए तो बोलो जिम्नोस्पर्म लास्ट डिवीजन याद करेंगे, और एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों ही क्या है? मोस्ट 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 रिड्यूस्ड। कारण उसका यह है कि मेल गैमेटोफाइट भी मोस्ट रिड्यूस्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो टू सेल्ड या थ्री सेल्ड कंडीशन में शेड होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये मल्टी सेलुलर 5-6 सेल्स के होते हैं। साइकस पाइनस के पोलन ग्रेन याद करते हैं जब हम, तो साइकस पाइनस के पोलन ग्रेन में 5-5, 6-6 सेल्स होती हैं। इसका मतलब उनका पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल से 3 सेल से ज्यादा का है। आप सोचो मैच्योर पोलन ग्रेन एंजियोस्पर्म का कितने सेल का होता है? एक ट्यूब सेल और एक जनरेटिव सेल, हाँ या ना? लेकिन जिम्नोस्पर्म का पोलन ग्रेन 5 से 6 सेल का होता है। इसका मतलब पोलन ग्रेन मोर डेवलप्ड है जिम्नोस्पर्म का, मोर रिड्यूस्ड है एंजियोस्पर्म का, क्योंकि पोलन ग्रेन जो है और साथ में फीमेल एम्ब्रियो सैक जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोलो गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज मोर रिड्यूस्ड इन एंजियोस्पर्म एज कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म, बट स्पोरोफाइट जनरेशन इज मोर डेवलप्ड। क्लियर है बात या नहीं? यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बच्चे खड़े हो सकते हैं, आपकी ये बात आपकी समझ नहीं आई हमें दोबारा बताओ। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म बिफोर और एंजियोस्पर्म में आफ्टर। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड। 3N टाइप का होता है। कैसा होता है? 3N टाइप का ट्रिप्लॉइड होता है। सही है बात या नहीं? यस और नो? जिम्नोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक होता है। जिम्नोस्पर्म से आर्किगोनिया मिलती है, एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया? तो बताइए फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज मोर रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म्स। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट किसी को हो तो पूछ सकते हैं आप मुझसे, वरना मैं आगे बढ़ूं। हाँ बेटा, हेलोबियल में पहले एक सेल डिवीजन करवाओ आप। आपने कहा कि एक सेल है हमारे पास 3N टाइप की, उसमें कंप्लीट मियोसिस मतलब माइटोसिस करवाओ आप, मतलब कैरियोकाइनेसिस भी हुआ साइटोकाइनेसिस भी हुआ, कितने सेल बन गई। अब इन दोनों में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करवाओ। अगर पहला डिवीजन तो कंप्लीट हो और उसके बाद फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो तो हेलोबियल, और अगर शुरू से ही क्या हो रहा हो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन तो न्यूक्लियर, और अगर शुरू से ही क्या हो रहा हो तो फिर बता दो सेल्यूलर। बढ़े आगे तो बोलो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो गया। किसका सेल मेम्ब्रेन? मेल गैमेट का सेल मेम्ब्रेन तो रिड्यूस हो जाएगा ना, अब सिर्फ न्यूक्लियस बचेंगे। आप ये बात याद रखिए, हायर ऑर्गेनिजम्स, चाहे हम एनिमल्स की बात करें और चाहे हम प्लांट्स की बात करें, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आप इस बात को जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के फॉर्म में, कि नेक्स्ट जनरेशन में जाइगोट फॉर्मेशन में
मोस्ट ऑफ दी जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो हमेशा फीमेल से आता है, क्योंकि मेल्स को खुद चल के आना होता है फीमेल तक, सही है बात या नहीं? इसलिए वो अपना साइटोप्लाज्म रिड्यूस रखते हैं। तो बोलो, मेल का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है न्यूक्लियस का, और साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा आपको हायर ऑर्गेनिजम्स में फीमेल्स का ही याद करना है। इसलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हमेशा फीमेल्स डोमिनेंट होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म फीमेल्स का ही जाता है हमेशा। क्लियर है बात? बढ़े आगे, चलो। हाँ बेटा, कर सकते हैं, ग्रोथ तो सबकी एक जैसी है, पॉलन ग्रेन तो एक ही है ना, और उसके वो सेल्यूलर कंपोनेंट भी सारे सेम ही है, तो एंजाइम सिक्रीशन तो एक जैसे चल रहा है सबके अंदर। लेकिन जिस पॉलन ट्यूब में ट्यूब न्यूक्लियस होगा वो पॉलन ट्यूब ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगी, क्योंकि वहां लीड कर रहा है ट्यूब न्यूक्लियस फंक्शन के लिए, बाकियों में लीड नहीं कर रहा, इसलिए बाकी तो रिड्यूस हो जाएंगी। तो पॉलन ट्यूब बनती एक से ज्यादा होंगी, लेकिन मैंने कहा मेल गैमेट या ट्यूब न्यूक्लियस ही पॉलन ट्यूब में होंगे, आ सकते हैं, लेकिन एग सेल तक ओव्यूल तक सिर्फ ट्यूब न्यूक्लियस वाला पहुंचेगा। चलें भी आगे, ट्यूब न्यूक्लियस लीड करेगा, जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस जाएगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सबसे ज्यादा उसमें, जनरेटिव सेल भी उसी में, ट्यूब न्यूक्लियस इसे तो लीड कर रहा है कि भाई इस पोलन ट्यूब को लेकर चलने हैं अपने को कहां तक, ओव्यूल तक, और सेल के न्यूक्लियस जो होता है वही सारे फंक्शन कंट्रोल करता है। तो ट्यूब न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा है पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन को, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को, इसलिए ट्यूब न्यूक्लियस लीड करता है कि भाई आगे मैं हूं, पीछे मेल गैमेट्स आएंगे मेरे साथ। और जब पॉलन ट्यूब ऑबिटुटेटर या फिर फिलीफॉर्म अपरेटस की तरफ चली जाती है तो फिर धीरे धीरे ट्यूब न्यूक्लियस का फंक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि अब यहां कीमोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब होती है और जाकर वो जुड़ते हैं किसके साथ, फिलीफॉर्म अपरेटस के साथ। तो ट्यूब न्यूक्लियस को पता है कि अब मेरा फंक्शन है नहीं, तो धीरे धीरे ट्यूब न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? बढ़ू मैं आगे? और सुनिए, तो ये आपको डिफरेंस एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का याद है, बढ़िया से। अब बताओ, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन तो हो गया, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन तो हो गया है, तो अब ये जो एम्ब्रियो सैक था हमारे पास, जो कि अब एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो बोलो यहां बाहर की तरफ तो क्या बन गया, एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म कैसा होगा, बोलो न्यूट्रिशन रिच होगा, और एंडोस्पर्म की प्लॉयडी कैसी होगी, सही है बात या नहीं? अच्छा एक बात बताओ, एंडोस्पर्म के पास इतना सारा न्यूट्रिशन आया कहां से? हा 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 हा, शाबाश, आ गया आंसर, न्यूसिलस से। बोलो ओव्यूल में, जब हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना यू, सही है, तो इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर में ये एम्ब्रियो सैक था, तो एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ कौन सा टिश्यू था, तो बोलो अब न्यूसिलस जो है वो अपना न्यूट्रिशन किसको देता है, तो बताइए कि अगर एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन रिच है ना, तो एंडोस्पर्म के पास जो न्यूट्रिशन है वो कहां से आया, पता है फ्यूचर में क्या होगा, जो एंडोस्पर्म है उसका न्यूट्रिशन कॉटिलेडन में चला जाएगा, इसका मतलब न्यूट्रिशन तो वही चला आ रहा है, न्यूसिलस से और एंडोस्पर्म से। ये आपको सीक्वेंस याद करनी है न्यूट्रिशन के ट्रांसफर की, कि भाई न्यूसिलस ने अपना न्यूट्रिशन देकर किसको बनवा दिया, और एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन कहां चला जाएगा, कॉटिलेडन के अंदर। बोलो यही कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है न्यूट्रिशन का, समझ रहे हैं बात या नहीं? तो अगर आप न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पढ़ते हैं, अगर आप सेल्यूलर एंडोस्पर्म पढ़ते हैं, यस और नो, आपने कहा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, आपने कहा सेल्यूलर एंडोस्पर्म, आपने कहा हेलोबियल एंडोस्पर्म, तो इसमें जो न्यूट्रिशन ट्रांसफर हो रहा है तो बोलो वो आया कहां से, न्यूसिलस से। तो इसका मतलब बोलो, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म न्यूसिलस डीजनरेट, इसका मतलब एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के टाइम पे आपको न्यूसिलस नहीं दिखाई देगा अब, क्योंकि वो तो कंज्यूम हो गया। यस और नो, यस और नो, तो आप बताएंगे कि न्यूसिलस क्या हो गया है, रिड्यूस या डीजनरेट ड्यूरिंग एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, यस और नो, यस और नो। लेकिन आप बताइए कि इफ न्यूसिलस परसिस्टेंट
मतलब अभी बच जाए, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बाद भी अगर न्यूसिलस तो फिर उसे पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल याद करो, ब्लैक पेपर, काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च, तो काली मिर्च में बोलो दिखाई दे जाता है कौन कौन, समझ रहे हैं बात या नहीं? किसमें? हाँ जी, टेस्ट का सिलेबस आपका बच्चे नोटिस बोर्ड पे लग गया है, तो नेक्स्ट टेस्ट में आप जो भी टॉपिक्स आपके आएंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपिक्स आप देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। तो अगर न्यूसिलस बच जाए तो बचे हुए न्यूसिलस को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पेरिस्पर्म। वैसे तो बचता नहीं, लेकिन अगर बच जाए तो क्या बोलेंगे और एग्जाम्पल क्या याद करेंगे? ब्लैक पेपर। और बताइए कि एंडोस्पर्म में जो न्यूट्रिशन आया वो कहां से आया? और एंडोस्पर्म का ही न्यूट्रिशन आगे किसमें ट्रांसफर होगा? पूछो हाउ, उसके लिए नेक्स्ट क्लास में आओ, वहीं से शुरू करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट ऑफ द टॉपिक अपना हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आधे घंटे का, और वो फिर अपने नेक्स्ट क्लास में खत्म करके फिर फिजियोलॉजी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। चलो, आपको तो ड्यूटी पता ही है आपकी, आप कर दीजिएगा, ठीक है बच्चे, है ना।